तो गाइस, क्या आप भी इसी टाइप से अपना हैंडकैम को रिकॉर्ड करना चाहते हो? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लगता है और अब जिस एंगल से खेल रहे हो ना, उसी एंगल से ये हैंडकैम रिकॉर्ड भी होता है। और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले ना भी डालो ना, तो ये वाला हैंडकैम का जो एंगल है ना, उससे आपका जो प्लेयर है, जो कैरेक्टर है इन गेम, वो बहुत ही क्लियरली शो होता है और जो इन गेम फाइट सिचुएशन होता है ना, वो भी प्रॉपर समझ में आता है। लाइक अगर स्क्रीन रिकॉर्ड ना भी करोगे तो भी एक अच्छा क्वालिटी का हैंडकैम निकलता है इस एंगल से। और मेरा हैंडकैम का जो ऑडियो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्क्रीन रिकॉर्ड वाला वो ऑडियो है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और उसका ऑडियो का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इस टाइप का हैंडकैम को रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले मेरा एक सेटअप टूर वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बंदे पूछते, तो मैं सोचा एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से एक ट्यूटोरियल वीडियो दे दूँ कि मैं कैसे मेरा हैंडकैम रिकॉर्ड करता हूँ और जो ऑडियो का क्वालिटी है वो इतना अच्छे से कैसे आता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैं इतना अच्छा क्वालिटी से कैसे अपना हैंडकैम को रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस, ये रहा मेरा कुछ सेटअप और पीछे का जो चीज़ है वो सब कुछ गंदा है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं रखता सब चीज़ों को। और आप लोग पूछते हो ना, मैं कैसे हैंडकैम रिकॉर्ड करता हूँ, तो बेसिकली मेरा जो हैंडकैम रिकॉर्ड करता हूँ उसका जो क्वालिटी आता है वो आता है इस चीज़ से। ये वाला जो चीज़ है ना, इसके वजह से जो हैंडकैम का क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैं इस जगह पे अपना जो फ़ोन है उसको क्लिप के साथ अटैच कर देता हूँ, फिर मेरा जो फ़ोन है उससे मेरा जो आईपैड है ये रिकॉर्ड होता है। और आप लोग पूछते हो ना कि बैकग्राउंड कैसे मेरा ब्लैक आता है इतना, और ये इस कपड़े के वजह से ब्लैक आता है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये प्रॉपर ब्लैक कलर का है, तो मतलब साइड वाइज कुछ भी नहीं दिखता। तो अगर बैकग्राउंड में ब्लैक रहेगा ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आप यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता वो चीज़, मुझे ब्लैक वाला चीज़ बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग पूछते हो ना कि मेरा जो हैंडकैम का ऑडियो क्वालिटी है वो कैसे इतना अच्छा आता है। तो मैं अपना फोन से भी रिकॉर्ड करता हूँ जो हैंडकैम होता है वो, फिर अपना आईपैड से अपना जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है उसको भी ऑन कर देता हूँ। उससे क्या होता है, ये दोनों का जो ऑडियो होता है ना, मैं एडिट के टाइम वो दोनों को मार्ज कर देता हूँ, इसीलिए जो ऑडियो का क्वालिटी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और जो साउंड के वजह से और जो कुछ क्लिप के वजह से मैं वो चीज़ को देखता हूँ, फिर दोनों को एक साथ ऐड कर देता हूँ और मर्ज कर देता हूँ, ताकि जो फ्रेम रहे ना वो आगे पीछे ना हो, इसीलिए एक साथ ही रहता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। आप लोग वो कैसे करोगे वो एडिट के टाइम आप लोगों को नॉर्मली आइडिया आ जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मली इसी टाइप से करता हूँ। तो ये वाला टेबल के साथ मैं ये जो फोन होल्डर होता है ना, इसको मैं अटैच कर दिया, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और ये जो फोन होल्डर टाइप का चीज है ना, इसको परचेस करने के लिए आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, कम से कम 200 to 300 rupees के अंदर ये चीज आ जाता है। और इसका जो क्वालिटी है ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। लाइक आप लोग नॉर्मल देख लेना अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, और जिसका रेटिंग सबसे ज्यादा होगा उसी को परचेस करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरा वाला ही आप लोग परचेस करो, लेकिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई से भी फोन होल्डर सर्च करोगे ना, वो ऐसा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। और उसके साथ कोई से भी टेबल के साथ आप इसको अटैच कर देना। लाइक मैंने इस टेबल को परचेस किया था, जैसे मेरा हैंडकैम था ना उसको रिकॉर्ड करने से भी बहुत ज्यादा पहले, तो मैं ये वाला जो टेबल था इसको मैंने परचेस किया था, और ये भी मुझे कम से कम 200 to 300 rupees के अंदर पड़ा था। और ये जो कपड़ा है ये भी उसके अराउंड ही था, लाइक 200-300 ऐसे के आसपास था। तो जो प्रॉपर जो मेरा सेटअप है ना, ये प्रॉपर लाइक 1000 rupees के नीचे ही आ जाता है। और इसके लिए जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और आपका जो स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा है ना, उससे ये ऑलवेज ट्राई करना आपका जो हैंडकैम है वो रिकॉर्ड करे। और मैं यहाँ पे बैठ के खेलता हूँ ये पिलो लेके, तो मेरे को खेलने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आता। आप लोग नॉर्मली जैसे रूम में बैठ के गेम खेलते हो ना, मैं भी वैसे खेलता हूँ, लेकिन मेरे में डिफरेंस क्या होता है कि मेरे ऊपर, हाथ के ऊपर थोड़ा एक कैमरा लगा रहता है फोन का, तो उससे जो क्वालिटी होता है वीडियो का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और मैं लुमा फ्यूजन से कैसे दो वीडियो को मार्ज करता हूँ ना, जो ऑडियो और वीडियो होता है उसको, उसके लिए आप लोग की चीज दिखा रहा हूँ। देखो ये रहा लुमा फ्यूजन का ऐप,
और ये मेरा आईपैड मिनी 5 में मैं एडिट कर रहा हूँ। तो देखो ऊपर वाला जो फाइल है ना VID से लिखा है वो मेरा हैंडकैम है, और नीचे वाला जो RP रिप्ले करके लिखा है वो है मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो। तो मैं दोनों को देखा पहले, फिर उसके बाद ये दोनों को मार्ज कर लिया। इसके वजह से जो साउंड होता है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता, लाइक प्रॉपर तरीके से सिंक है ये ऑडियो के साथ जो वीडियो होता है वो। और मेरा जो हैंडकैम का जो ऑडियो रहता है ना वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, ऑडियो पूरा ब्लैंक रहता है, लाइक नॉर्मल ऑडियो ही नहीं है उसमें। लेकिन जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड है उसका ऑडियो और जो हैंडकैम का वीडियो ये दोनों का मैं मार्ज कर देता हूँ एक साथ। आई होप ये जो सिंक वाला चीज है ये आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइस ये वाला वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला कि कैसे हैंडकैम वगैरह रिकॉर्ड करना है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हो ना तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, iPad mini 5 वर्सेस iPad mini 6 ये वाला वीडियो, और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो iPhone 12 Pro Max वर्सेस iPad mini 6 वाला वीडियो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।